हाँ पुल बनेगा उस पर, रेल ब्रिज 100 मीटर तो उस पर रेल ब्रिज बन रहा है क्या? नहीं, रेल का नहीं है। वो रोड ब्रिज बन रहा है ना, रेल रोड ब्रिज तो एक यही है ना पटना को कनेक्शन कर रहा है अभी के टाइम में, नहीं तो फिर आना जाना होगा किसी को। ये वाला जो है, ये पहले वाले ब्लॉग में ये लेन का जो ये पटरी है ये नहीं था, ये कनेक्शन हो गया है और इससे उधर पूरे ब्रिज पे जो है वो ऑलरेडी रेल लाइन का कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हो चुका है, ट्रायल भी हो चुका है। तो अभी किया बैटरी को चेंज और अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि वीडियो जो है वो बार बार मेरा जो है वो स्टॉप्ड हो जा रहा था, तो इस वजह से इसका सेकंड ऑप्शन भी लेके निकले थे। इससे पहले भी हम जब ब्लॉग शूट कर रहे थे उसमें भी ये इशू हुआ है। इससे पहले वाले अगर ब्लॉग आप देखे होंगे, गया लाइन गुमटी वाला जो अपडेट दे रहे थे, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, उस समय भी ये इशू हुआ। तो अभी हम लोग राइड को कंटिन्यू करते हैं पटना के मरीन ड्राइव पर, और थोड़ा मरीन ड्राइव का भी जो है वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ऑन ग्राउंड लेवल पर कितना कुछ काम हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। अभी हम लोग पटना मरीन ड्राइव पर भी राइड करके देखते हैं, और फ्यूचर में यही होने वाला है पटना का मरीन ड्राइव, तो इस पर हम लोग राइड करते हैं, देखते हैं क्या कुछ ऑन ग्राउंड लेवल पे वर्क चल रहा है, कितना अपडेट देखने को मिलता है, क्या कुछ शेयर होता है। वैसे मरीन ड्राइव का प्रॉपर यूज़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पे किया जा रहा है, और लिटरली सही बात है, एक बार जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो इस मरीन ड्राइव का जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जो है वो सबसे अल्टीमेट होगा, ज़बरदस्त होगा, ये तो पक्का है। क्योंकि इस साइड का जो गंगा का व्यू है ना, ये अल्टीमेट है, देख रहे हैं ये गंगा का व्यू जो है ये अल्टीमेट है, तो ये जो होने वाला है ये ज़बरदस्त होने वाला है। और इस साइड में पिचिंग का काम हो गया है, तो अभी हम लोग चलते हैं राइड को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कहाँ कहाँ पिचिंग का काम हुआ है, कितना काम हुआ है और क्या कुछ चल रहा है आगे, वो भी आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। वैसे अभी बस पिचिंग का काम हुआ है, वैसे प्लांटेशन का काम होगा, अभी बहुत सारा काम बाकी है, बट काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बारिश आने से पहले ये सब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर नहीं कंप्लीट हो पाया तो फिर से एक साल जो है वो और लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अगर बारिश आने से पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो 2022 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 2022 में फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग राइड को कंटिन्यू करते हैं। वैसे इधर तो नया मिट्टी लगता है फिलिंग हुआ है, तो बाइक कहीं ना कहीं, बाइक का जो टायर है वो थोड़ा ग्रिप ले रहा है ज़्यादा। तो अभी हम लोग करते हैं आगे राइड करते चलते हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ सुबह का जो स्पोर्ट्स है वो चल रहा है, सब लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग आर्मी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ये तो भाई साहब पूरा बालू बालू है यार, ज़बरदस्त पूरा बालू है। तो चलते हैं आगे की तरफ राइड करते हुए। वाह, पार कर गए भाई साहब। इधर भी पिचिंग का काम जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा है, तो अब इधर का काम देखते हैं कि इधर क्या कुछ हुआ है। वाह, तो इस साइड में पिचिंग का भी काम हो गया है, ये साइड वाले बाउंड्री वॉल का भी काम हो गया है, कुछ कुछ काम इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है और काफ़ी अच्छा है। ये जो व्यू है ना ये अल्टीमेट रहेगा, वाह पास से ही जा रहा है, ये व्यू अल्टीमेट होने वाला है। बता दें कि ये जो मेन पार्ट है ना, इसी मेन पार्ट में मिट्टी फिलिंग का काम बाकी था जो कि अभी ज़ोर शोर से चल रहा है, और ये जो बीच का पार्ट है यही मेन पार्ट है। इसके बाद एक कुर्जी के पास थोड़ा सा फ्लाईओवर का जो ब्रिज था उसका काम मेनली जो है वो पेंडिंग है। तो ये दो पार्ट जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम लोग जो है वो दीघा से PMCH तक का राइड कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे एंटी सन है तो थोड़ा इशू हो रहा होगा, तो अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि पटना मरीन ड्राइव कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर हो रहा है। और ये देख सकते हैं, देख रहे हैं ज़बरदस्त है, अल्टीमेट ये व्यू दिख रहा होगा अब आपको कैमरा में, दिख रहा होगा अच्छा खासा व्यू, देख रहे हैं क्या सुंदर नज़ारा है। तो ये ज़बरदस्त रोड होने वाला है, और सही में बहुत सारा मॉर्निंग वॉक और स्पोर्ट्स जो है वो सुबह सुबह यहाँ देखने को मिलता है, और एकदम फ्रेश एयर वाला फील जो है वो यहाँ पटना के गंगा किनारे हम लोग को फील होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और बारिश से पहले बन के कम्प्लीट हो जाए बस यही बोलेंगे, अगर उससे बारिश से पहले
पहले कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर ये 2023 तक में चला जाएगा ये प्रोजेक्ट, और 2022 में एनी हाउ एनी कॉस्ट जो है वो दीघा से पीएमसीएच तक का कंप्लीट करना है गंगा मरीन ड्राइव को। अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर बहुत इशू होने वाला है वो। ये देखना है पूरा मस्त जॉगिंग वॉगिंग हो रहा है। अच्छा है स्पोर्ट्स का, अच्छा लोकेशन हो सकता है प्रॉपर, अगर इसको यहाँ डेवलप किया जाए तो अच्छा खासा लोकेशन जो है वो बन जाएगा इधर स्पोर्ट्स का, अच्छा खासा लोकेशन बन जाएगा। देख रहे हैं ये सब लोग स्पोर्ट्स में जॉगिंग कर रहे हैं। इस टाइप से मिट्टी फिलिंग का जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्ट में काम बाकी है। वैसे इस ब्लॉग को अभी यहाँ एंड नहीं करने वाले, अभी चलते हैं आपको और दिखाते हैं जेपी सेतु ब्रिज का जो रेल लाइन का जो अपडेट था वो भी इसमें ऐड करते हैं, इस ब्लॉग में ऐड करते हैं, और फिर इस ब्लॉग को एंड किया जाएगा। अभी इस ब्लॉग को एंड नहीं करने वाले हैं, तो चलते हैं जेपी सेतु ब्रिज के ऊपर और दिखाते हैं आप लोग को कि वहाँ का क्या सीन है, कैसा काम चल रहा है। क्योंकि जेपी सेतु एक ऐसा ब्रिज है जो रेल रोड ब्रिज है, और रेल का काम जोर शोरों से चल रहा था क्योंकि जेपी सेतु ब्रिज पे सिंगल लाइन था रेल लाइन का, और उसको डबल लाइन करने का जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो उसका क्या कुछ अपडेट है वो आज शेयर करने वाले हैं इस व्लॉग में। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट जेपी सेतु के पास और दिखाते हैं कि रेल रोड ब्रिज और डबल लेन रेल जो बन रहा था उसका क्या स्थिति है, क्या ऑन ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, या एज इट इज़ इससे पहले वाले व्लॉग में जो देखे थे वही है। तो अभी चल के हम लोग देखते हैं तरफ और बाइक को लगाते हैं यही साइड में कहीं। ओहो, कुछ ज़्यादा ऊपर लेके आ गए क्या, चलिए यहीं तक ले आए तो ले आते हैं और क्या। सो आ गए हैं जेपी सेतु ब्रिज, तो आते हैं देखते हैं रेल लाइन का क्या सीन है यहाँ पे, क्या कुछ काम चल रहा है, क्या एक्चुअल में पूरा काम कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। तो इस व्लॉग में अभी इस चीज़ को दिखाएंगे और फिर जो है वो व्लॉग एंड करने का मेरा प्लान है। तो आइए देखते हैं। वाह, इस साइड में ये वाला जो सीन है ये नहीं हुआ था, इस बार ये कंप्लीट दिख रहा है। वाह नाइस, ये चीज़ पसंद आया। देख रहे हैं ये वाला जो है, ये पहले वाले ब्लॉग में ये लेन का जो ये पटरी है ये नहीं था, ये कनेक्शन हो गया है, और इससे उधर पूरे ब्रिज पे जो है वो ऑलरेडी रेल लाइन का कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हो चुका है, ट्रायल भी हो चुका है, बट इस साइड का जो कनेक्शन था ये कहीं ना कहीं नहीं हुआ था। तो अब ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला है, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये है जेपी सेतु का डबल लाइन, जो रेल लाइन का डबल लाइन जो बनने वाला था ये देख सकते हैं आपके सामने डबल लाइन, और ये लगभग कंप्लीट पे है, देख रहे हैं। और यहाँ का व्यू तो भाई ज़बरदस्त रहता है, गंगा किनारे का जो वाइब है वो एक अलग लेवल का है, और मॉर्निंग वाइब इवनिंग वाइब तो और ज़बरदस्त रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त, और इसको जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये स्टार्ट नहीं है, इसका पटरी यहाँ रखा हुआ है, इसी से आइडिया लग रहा है कि ये अभी इस पर ट्रायल नहीं हुआ है, बट जल्दी ही ट्रायल हो जाएगा क्योंकि ये वाला फेज़ जो है इससे पहले हम बने हुए नहीं देखे थे, ये अभी रिसेंट में बना है। इससे पहले वाले व्लॉग में या उससे पहले वाले व्लॉग में अगर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो है ये बन के कम्प्लीट नहीं था। अच्छा, वो सपोर्ट के लिए, अच्छा ये सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, लगेगा यहाँ है ना। हाँ। अच्छा, इस पे मतलब ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है। मालगाड़ी गया है, पत्थर गिरा कैसे? क्योंकि आने वाले टाइम में मेट्रो कनेक्शन इसी ब्रिज के थ्रू होने वाला है नॉर्थ बिहार का पटना से। नॉर्थ बिहार से पटना का कनेक्शन यही एक ऑप्शन है जो मेट्रो का कनेक्शन दे सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। मेट्रो का कनेक्शन कहाँ से देगा, इसी से? हाँ बिल्कुल, फेज 3-4 जब बनेगा अटल पथ से जब पटना को कनेक्शन किया जाएगा, हाँ तो यही एक ऑप्शन हमको दिख रहा है, नहीं तो इस गंगा को ब्रिज को पार करने का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं अपने पटना के आसपास में। हाँ हाँ, पुल बनेगा उस पर, रेल ब्रिज तो उस पर रेल ब्रिज बन रहा है क्या? नहीं, रेल का नहीं है। वो रोड ब्रिज बन रहा है ना, रेल रोड ब्रिज तो एक यही है ना पटना को कनेक्शन कर रहा है अभी के टाइम में, नहीं तो फिर आना जाना होगा किसी को। हाँ हाँ सही बात है।
तो एक यही एक माध्यम है जो इसको कनेक्शन कर सकता है, तो ये फ्यूचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन होने वाला है नॉर्थ बिहार के लिए, ये लाइफ लाइन होने वाला है आने वाले टाइम में। आज ये लाइफ लाइन ईस्ट के लिए, हाँ आज भी है, बट आज उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यही होगा। अभी उधर बरौनी में काम लगा हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है पाटलिपुत्रा जंक्शन तक। सो ये जान के काफ़ी अच्छा लगा, ये एक गुड न्यूज़ था पटना वासियों के लिए। जो भी डेवलपमेंट और बिहार से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं उनको आपको बता दें कि इस पर अंकल अभी जस्ट रिसेंट में बताया है कि इस पर ट्रायल बेसिस चल रहा है, मालगाड़ी चल रहा है और इसका जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा जान के। क्या अंकल, पत्थर भी इसी मालगाड़ी से ही गिर रहा है? अच्छा ये पत्थर, हाँ ये तो उसी गाड़ी से गिरता है। हाँ हो गया है कम्प्लीट, तो ये अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वाला अपडेट। आई होप शो कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ, नए सफ़र के साथ अपने चैनल पर। तो तब तक के लिए बाय बाय।